हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित अभ्यास 7D का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला है 7D का, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। चलिए हल करते हैं दोस्तों। हम मान लेते हैं, माना पिता की आयु बराबर x और पुत्र की आयु बराबर वाई। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की 3 गुनी थी। चलिए हल करते हैं। तो यक्स माइनस 10 बराबर वाई माइनस 10। पहले मतलब अगर मान लो पिता की आयु 50 वर्ष है, तो 1 साल पहले कितनी होगी? 49 वर्ष। तो इसी प्रकार अपने, क्या पूछ रहा है, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी इधर है लेकिन गुन लिखते हैं इधर। तो यक्स माइनस 10 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस का 3 दहम्मा 30। फिर इसको हल करेंगे दोस्तों, ये प्लस का 3y है, इधर जाएगा माइनस का 3y बराबर माइनस का 30, इधर ही जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा प्लस का। तो यक्स माइनस 3y बराबर, अब इसमें से घटेगा बचेगा माइनस का 20, हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। दूसरी शर्त है यक्स 10 वर्ष बाद, यक्स बराबर वाई प्लस 10 कितनी गुनी हो जा रही है? 2। यक्स प्लस 10 बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 2 दहम्मा 20। फिर हल करेंगे इसको, यक्स ए प्लस का इधर है तो हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 20। अब ये प्लस का 10 है, जा जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो यक्स माइनस 2y बराबर 10 हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का मान कितना है? आया है यक्स माइनस 3y बराबर माइनस का 20 हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ए प्लस का एम प्लस का ए माइनस का, तो यक्स से यक्स हो गए कैंसिल। और उसके बाद ए 2y 3y से घटेगा बचेगा केवल वाई, उसके बाद ये 10y और 20y जुड़ जाएगा तो हो जाएगा वाई बराबर 30। लिखते हैं वाई का मान, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है? यक्स माइनस 3y बराबर माइनस का 20। यक्स माइनस 3y का माना है 30, 30 बराबर माइनस का 20। यक्स बराबर माइनस का 20, अब 30 यही 90, माइनस का 90 इधर जाएगा तो प्लस का 90 हो जाएगा 90। तो यक्स का मान आ गया 20, 90 में से 20 जाएगा तो बन गया 70। तो पिता की आयु बराबर, पिता की आयु बराबर वर्तमान आयु बराबर 70। उसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, पुत्र की कितनी आयु है? y बराबर 30। पिता की वर्तमान आयु 70 और पुत्र की आयु बराबर 30, ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों 7D का दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की 4 गुनी है, अब उसे 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की आयु से दूनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। चलिए देखते हैं।
माना पिता की आयु बराबर एक्स और पुत्र की आयु बराबर वाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी इस समय उसके पुत्र की आयु की चार गुनी है। यक्स पिता है, वाई की चार गुनी है, चार वाई। अब हल करेंगे, यक्स बराबर सॉरी फोर वाई इधर जाएगा माइनस का फोर वाई बराबर जीरो। ये समीकरण नंबर हो गया एक। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की चार गुनी है। तो चार गुनी ये है, लिखेंगे इधर। दूसरी शर्त है, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। 18 वर्ष बाद यक्स प्लस 18 बराबर वाई प्लस 18। दूनी होगी, दूनी मतलब दो गुनी होगी। तो इसको हल करेंगे, यक्स प्लस 18 बराबर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 2y प्लस का 18 गुना 36। इसको हल करेंगे फिर यक्स प्लस, अब ये माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 36। अब ये प्लस का 18 इधर जाएगा, माइनस का 18 बराबर यक्स माइनस 2y बराबर 36 हो गया समीकरण नंबर दो। उसके बाद इसको समीकरण एक और दो को एक साथ लिख के घटा देंगे, तो यक्स माइनस 4y समीकरण एक कितना है, यक्स माइनस 4y बराबर जीरो। तो यहाँ आया है 36 में से 18 जाएगा तो आएगा केवल 18। तो यहाँ बचेगा माइनस का 18 बराबर दो गुड़े में इधर जाएगा, माइनस दो भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा दोनों 18। तो वाई का मान 9, वाई बराबर 9। अब दोस्तों लिखेंगे वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक कितना है, यक्स माइनस 4y बराबर जीरो। यक्स माइनस 4 गुणे वाई का माना है 9 बराबर जीरो। तो यक्स माइनस 9 चौक 36 हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। अब पिता की आयु कितनी होगी, 36। पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष। उसके बाद पुत्र की आयु बराबर 9 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु बराबर 36, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 9 वर्ष। ये हो गए हमारे आंसर। अब दोस्तों 60D का तीसरा क्वेश्चन है, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। एक वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, इस समय दोनों की आयु बताइए। माना राधे के पिता की आयु यक्स है और राधे की आयु, तो कह रहा है राधे की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। राधे की पिता की आयु इस समय उसकी आयु 7 गुनी है। तो यक्स बराबर 7 गुणे वाई, अपने पिता से 7 गुनी, पिता की आयु 7 गुनी है। तो 7 गुनी ये है, लिखेंगे इधर। तो यक्स बराबर 7y को यक्स माइनस 7y बराबर जीरो। ये समीकरण नंबर एक हो गया। उसके बाद दूसरी शर्त है, एक वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। एक वर्ष पहले यक्स माइनस 1 बराबर वाई माइनस 1 कितने गुनी थी, 9 गुनी थी। 9 गुनी इधर थे, लिखेंगे इधर। तो यक्स माइनस 1 बराबर 9y माइनस 9 कम 9। फिर हल करेंगे, यक्स माइनस 9y
बराबर माइनस का 9, ये जाएगा इधर तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो x माइनस 9y बराबर 9 में से 1 गए माइनस का 8, तो हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को साथ में लिख के घटा देंगे तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस 7y बराबर का 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब चिन्ह समान लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, तो x से x कैंसिल हुआ। उसके बाद 7 में से 2 गए, 9 में से 7 गए 2, 2y बर 2y बराबर 8, y बराबर, अब इधर गुणे में 2 गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, जब 8 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, y का मान 4 हो गया। अब पिता की आयु निकालने के लिए y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो y का मान समीकरण चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, यक्स माइनस 7y, यक्स माइनस 7y बराबर 0। तो यक्स माइनस 7 गुणे y का माना है 4 बराबर 0, तो यक्स माइनस 7 को 28, अब ये माइनस 28 है इधर में तो जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, तो यक्स बराबर 28। तो पिता की आयु, पिता की आयु, आयु बराबर 28 वर्ष, उसके बाद पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु बराबर कितनी आई है, यक्स वाई बराबर 4 वर्ष। अब दोस्तों देखिए, पिता की आयु हो गई 28 वर्ष, उसके बाद पुत्र की आयु बराबर 4 वर्ष, ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।